सांशी में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जी हाँ, दो बीवियां रखना जरूरी है भारत के इस गांव में। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारत पाक सीमा के नजदीक एक गांव है देरासर। देरासर गांव में एक अलग ही प्रचलन है और वो ये है कि यहाँ के लोगों को दो दो शादियां करनी पड़ती है। इस छोटे से गांव में 600 से अधिक लोगों की आबादी के साथ प्रत्येक व्यक्ति की दो पत्नियां होती है। इसका कारण ये नहीं है कि पुरुष दो महिलाओं से शादी करने के शौकीन है, बल्कि ये एक अजीब अनुष्ठान का हिस्सा है। देरासर में लगभग 70 मुस्लिम परिवार रहते हैं। इस गांव के लोगों द्वारा दूसरा निकाह करने के पीछे जो कारण है वो आश्चर्यजनक है। यहाँ के लोगों का कहना है कि शादी के बाद पहली बीवी से कोई संतान नहीं होती, लेकिन वहीं दूसरी शादी के बाद सभी के घर में संतान सुख प्राप्त होता है। गांव में कई लोगों ने तो आधी उम्र बीत जाने के बाद संतान की चाह में दूसरा निकाह किया तो उन्हें संतान प्राप्त हुई। गांव में कुछ ऐसे भी परिवार मौजूद हैं जिन्होंने एक ही शादी की लेकिन उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सका। गांव के एक बुजुर्ग का कहना है कि गांव के साथ ये संयोग एक अजीब वाक्य से जुड़ा हुआ है। गांव के लाला मीठा के घर कई सालों तक संतान नहीं हुई। परिजनों ने कई बार उस पर दूसरा निकाह करने के लिए दबाव डाला, लेकिन मीठा ने साफ इनकार कर दिया। लगभग 55 साल की उम्र में उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद परिजनों के दबाव के कारण मीठा ने दूसरे निकाह के लिए अपनी रजामंदी दी। निकाह के एक साल बाद ही उसके घर लड़की पैदा हुई, फिर तीन लड़के भी हुए। इसके बाद से जो हर परिवार में पहली शादी के बाद पहली बीवी से किसी को संतान नहीं हुई, दूसरी शादी करने के बाद दूसरी पत्नी से हर परिवार में संतान हुई। लेकिन खास बात ये भी है कि इस गांव में पहली पत्नी को अपने पति की दूसरी पत्नी से कोई दिक्कत नहीं होती और वो मिलजुल कर बहुत ही अच्छे तरीके से एक साथ रहती हैं। सांझ टीवी की खास रिपोर्ट। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सांझ टीवी। और हाँ, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। सांझ टीवी, सबसे आगे सबसे पहले। बने रहिए हमारे साथ पल पल की खबरों के लिए।